नौरोजाबाद तहसीलदार पंकज नयन तिवारी के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम तहसील कार्यालय आगमन पर पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह के नेतृत्व में समस्त पटवारियों के द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। गौरतलब है कि दिनांक 13 नवंबर को स्वर्ण जयंती एकेडमी हॉल भोपाल में राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर नौरोजाबाद तहसीलदार पंकज नयन तिवारी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के कई महत्वपूर्ण पदों में रहकर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। जब हमारे संवाददाता ने पटवारियों के द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के बारे में पूछा तो उनके द्वारा पटवारियों के लिए दिल को छू लेने वाली बात कही गई। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी मेरे इस कार्यालय परिवार के अभिन्न अंग हैं और सब मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनके इस स्वागत से बहुत ही खुश हूँ। नौरोजाबाद तहसीलदार पंकज नयन तिवारी करीब 6 माह पूर्व स्थानांतरण होकर नौरोजाबाद तहसील आए थे। इससे पहले पंकज नयन तिवारी ने जबलपुर, सतना और अनूपपुर में रहकर तहसीलदार के पद पर ही अपनी सेवा दी है। उक्त स्वागत कार्यक्रम में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह, नौरोजाबाद तहसील इकाई अध्यक्ष भीम सिंह पोर्ते, पटवारी आशीष कुशवाहा, गणेश सिंह ध्रुवे, लालजी संत, अरुण महोबिया, शिवप्रकाश पटेल, संदीप रजक, अंबाराम भार्गव, राधा सिंह, संतोष भगोरा, रोचक कनासे, चंद्रप्रताप सिंह सहित समस्त तहसील अमला मौजूद था। सर, विगत दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था आपके संगठन का, उसमें आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देखिए, हमारा राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है जिसका वार्षिक सम्मेलन और सह निर्वाचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था 13 नवंबर को स्वर्ण जयंती हॉल अकेडमी में। तो उसमें हम सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। परंपरानुसार ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और 13 दिसंबर को हमारे संघ के समस्त पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित हुए और आम सहमति से एक अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री गुलाब सिंह तहसीलदार बैरागढ़ हैं, उनको निर्वाचित किया गया और मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। संवर के हितों के लिए ये जो हमारा संघ है, मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, ये सतत प्रयास करते रहते हैं और संघ की समस्याओं के को लेकर के शासन के पटल पर रखते रहते हैं। निरंतर हम इस पर काम करते रहते हैं और इसके पूर्व में मैं प्रांतीय सचिव था और संघ के अधिकारियों के सहयोग और आशीर्वाद में मुझे पुनः इस पद के ऊपर प्रतिष्ठापित किया है। मैं उनकी आशाओं पर खड़े उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आज सभी पटवारियों ने मिलकर आपका आत्मीय स्वागत किया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने पर, क्या कुछ कहेंगे इस विषय? हाँ, मैं अपने पटवारी भाइयों के साथ हमेशा उनको अपने अनुज की तरह हमेशा ट्रीट करता हूँ और हमेशा मुझे उनका सहयोग मिलता है। आज उनकी खुशी थी, हमारे बड़े गर्व का विषय है कि हमारे तहसील पटवारी संघ से ही हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं पटवारी के। तो आप सभी बहुत खुश थे और आप ऐसा एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम रखना चाहते थे और सभी को बहुत हर्ष है। मुझे स्वयं भी बहुत हर्ष है कि मैं इस छोटी सी जगह नौरोजाबाद से आज प्रांतीय स्तर पर पहुँचा हूँ और संघ ने मुझे इस वरीयता दिया, संवर ने मुझे वरीयता दिया और पटवारी संघ से मेरा लगातार समन्वय रहता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ पटवारी संघ से मैं समन्वय बना करके चलता हूँ। उसी खुशी में हमारे पटवारी संघ के तहसील इकाई और जिला इकाई के अध्यक्ष महोदय ने आज एक स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ था। मैं आप अपने भाइयों को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और साथ साथ आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी अपेक्षाएँ तहसीलदार संघ के साथ रहती है वो समन्वय हमेशा बना रहेगा। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।